ओके गाइस, सो अभी चाय बना रही हूँ मैं बस पंडित जी और पापा के लिए, एंड हमारी प्यारी सी लता जी हमारे साथ है। इन्होंने बहुत हेल्प करती है हमारी, एक सब कुछ घर इन्होंने ही संभाला हुआ है, हमारी कुक वुक सब है ना। शर्मा रही हो? शर्मा कहाँ ही रहे हो तुम? नहीं, शर्मा नहीं रही। फिर कुछ बोलना चाहोगे? पापा हेल्प कर रहे हैं अंजुम को धोती पहनाने में। क्या हो क्या रहते साथी? क्या फर्स्ट टाइम? पहली अब दोबारा पूजा अब तेको आगे पहननी है, पीछे कैसे डाली हुई है यार, यार क्या ही हो रहा है अंजुम के साथ। ये होता है जनेयू। सो बेसिकली एवरीबॉडी, हर किसी को जनेयू पहनना होता है। पापा ने भी पहना हुआ, अगर आपको दिख रहा होगा। शादी पहले करवाना पड़ता है, जनेयू नहीं होता जिसमें गंजा भी करते हैं। हाँ, और जनेयू होता है बस लड़कों का होता है। ओके, एंड मैं ये रही। हेलो, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ ब्यूटीफुल व्लॉग। आई थिंक मैं इतने टाइम के बाद मैंने व्लॉगिंग करी है। थोड़ी सी चीज़ें चल रही थी लाइफ में, अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे हेल्थ को लेके स्पेशली। नाउ आई एम फाइन, इसलिए मेरी हिम्मत हुई आज ब्लॉगिंग करने की। एंड आज हमारे घर में है पूजा, सो मैं ये पिछौड़ा भी पहनूंगी। मैंने सूट पहना हुआ है, ये पिछौड़ा पहनूंगी मैं, क्योंकि हम लोग हैं उत्तराखंड से, एंड जब भी घर में पूजा होती है हमें कुमाऊनी, यस, हमें पिछौड़ा पहनना होता है। अंजुम को दिखाती रहूँ, वेट गाइज, प्लीज डोंट जज, बट पहली बार मैं तेको देखा है। जब हमारी शादी हुई थी उससे पहले तेरा जनेयू हुआ था। सो गाइस, जनेयू पहनी थी तब, तब की है। हाँ, आपको जनेयू दिख रहा होगा स्क्रीन में, जो मैंने पापा का भी दिखा रही हूँ मैं आपको, एंड अंजुम ने भी पहना हुआ है। कैसे पापा अंजुम की हेल्प कर रहे हैं धोती बांधने में, एंड ये है उसका आउटकम। तुमने टी शर्ट क्यों पहनी? उतार दे, बॉडी खराब हो रही है। ओके ओके, सो बस आज मैंने बिंदी भी लगाई हुई है, छोटी सी सिंदूर बिंदी, एंड पिछौड़ा पहनूंगी, एंड बस पॉजिटिविटी आती है ना। रुद्राभिषेक है आज शिव जी का, रुद्राभिषेक जो हमें करना है, हम दोनों करेंगे आज। वो पावन अवसर हम दोनों को मिला भगवान जी का रुद्राभिषेक करने का। वाओ, मतलब बहुत बड़ी चीज है मेरे लिए तो, फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ में ये करूंगी। और हमारी शादी से पहले मम्मी लोग करते थे, शादी के बाद आज पहली बार हो रहा है ना? सोच, और हम ही करेंगे, और हम करेंगे शिव जी। जी ओके, सो ये रहा साक्षी का पूरा ओओटीडी फॉर पूजा। हाँ, पूजा के लिए, एंड ऐसे होगा, ये ऊपर आएगा मेरे सर पे, ऐसे करूंगी मैं पूजा। और मुझे ना बहुत प्यार है इस पिछौड़े से। सो जब भी करवा चौथ होता है, घर में कोई हवन पूजा होती है, सो हमें ये पहनना होता है, एंड आई रियली लव इट। कुमाऊनी बुआर, बुआरी, बुआरी। ओके दोस्तों, तो अब है आज नेक्स्ट डे, और कल की पूजा बहुत अच्छी हुई, बहुत मजा आया, बहुत पॉजिटिविटी आई, बहुत ही मतलब दिल को ऐसे सुकून सा मिला। साक्षी मम्मी अब अभी आए हुए थे, और हम सब लोगों ने मिलके अच्छे से पूजा वूजा करी, रुद्राभिषेक करा शिव जी का, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है। और साक्षी यहाँ पे बैठी हुई है, आराम कर रही है, और बज गए, मैं आपको टाइम दिखा देता हूँ, 12:19। कुछ कहना चाहोगे? कंटेंट कैलेंडर बना रही हूँ मैं। अच्छा, प्रॉपर काम क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये रहा। ओके, दिस इज माय कैलेंडर गाइस। तो अभी आप काम वम कर रहे हो, और मैं एक चीज और दिखाना चाहूंगा आपको, क्योंकि साक्षी मैंने आपको दिखाया था कि
हमारे घर में काम चल रहा है वुडवर्क वगैरह का, बहुत सारा रेनोवेशन था बिकॉज दीमक लग गई थी और बहुत गंदी दीमक लगी थी, तो वो काम ऑलमोस्ट फिनिश हो गया, मतलब फिनिश ही हो गया। अब थोड़ा सा मतलब ऐसे छोटा मोटा काम रहता है जो कि बाद में होगा राखी के बाद। सो मैं आपको घर भी दिखाता हूँ अभी कि घर कैसा बन गया है हमारा, रेनोवेट हो गया, बहुत मजा आ रहा। पहले रूम से स्टार्ट कर दूं, रूम दिखा दो पहले, तो पहले रूम दिखा रहा हूँ। ओके सो रूम आप देख सकते हो, हमने ये बनवाया है टीवी का पैनल ऐसा और एक ये ऐसा। पहले हमारे पूरा नीचे एक क्या बोलते हैं कैबिनेट टाइप होता था बड़ा सा पुराने जमाने वाला, उसको हमने हटा के ऐसा पूरा नया बना दिया, लाइटें वाइटें लगा दी है, यहाँ पे लाइटें लगा दी है। फोटोग्राफ्स हमारे पास बहुत टाइम से पड़ी हुई थी जो कि हम लगा नहीं रहे थे क्योंकि मतलब टाइम भी नहीं मिल रहा था और प्लस वो भी नहीं था कि हमें समझ नहीं आता कहाँ लगाएं, तो वो भी हमने लगा दिए मस्त अपनी फोटोग्राफ्स पुरानी और शादी की और वो सब, और ऊपर लाइट्स लगा दी है। ज्यादा कुछ नहीं है, हमने बेसिक रेनोवेशन क्योंकि दीमक आ गई थी, सो इट वाज वेरी मच रिक्वायर्ड। हाँ इतना कुछ नहीं कराया, बाकी सब पुराना ही है। हाँ, और साक्षी के दो पिंपल्स निकल चुके हैं, ऐसे चमक रहे जैसे बिंदी होगी मत्थे पे तेरे, और थोड़ा ये सब करा दिया है। कबर्ड्स वगैरह हमने ब्राउन थे हमारे, उसको व्हाइट करवा दिया है। और देखो भाई, ये सब एप्पल खाना चाहिए सबको, एप्पल अडे कीप्स द डॉक्टर अवे हैं, और दो पिंपल्स भी निकाल देता है एप्पल तेरा, ठीक है। और ये तो हमारा रूम का थोड़ा बहुत हाल है, रूम आपने देख लिया है। ओबे ये लग गया देख, पीला पीला लग गया मेरे मेरे मत्थे पे, कल रुद्राभिषेक हुआ था तो चंदन लगाया था पंडित जी ने ऐसे वाला, तो वो मेरे अभी भी लगा हुआ है नहाने के बाद, दो बार नहा लिया फिर भी अभी तक गया नहीं है, जो कि अच्छी बात है, भगवान की वो है देन। और अब मैं दिखाता हूँ आपको बाहर हमने क्या क्या रेनोवेट किया है। और अब बारी है मेन जगह की जो कि मैंने आपको व्लॉग्स में दिखाई थी कि दीमक आ गया जहाँ पे, और मतलब दिमाग खराब हो गया था उसको ठीक कराते कराते, तो वो देखने के लिए आप रेडियो इन 3 2 1 ये देखो भाई, ये देखो, एक तो ये चीज है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये पहले कैसे दिखता था और अब कैसे दिख रहा है, और ये भी जो आर्च थी हमारी किचन की वो भी चेंज होके अब ऐसी कुछ लग रही है, वो भी मैं आपको फोटो दिखा दूंगा कि पहले कैसा था और अब कैसा है। बाकी ये काम हुआ है, जैसे हमारे रूम में था वैसी टीवी पैनल यहाँ बना दिया और 3 ड्रॉज बना दिए हैं, और नीचे की जगह खाली हो गई है। यहाँ पे एक बड़ी सी वो टीवी कैबिनेट थी बहुत पुरानी, उसको हमने काट दिया है, पापा का आइडिया था कि एक उसका हिस्सा ये है और एक अंदर रूम में चला गया है। बाकी ये हमारा पुराना मंदिर होता था तो उसको हमने यहाँ पे साइड कैबिनेट बना दिया, मतलब ऐसे चीजें रखने के लिए। और थोड़ा सा किचन भी दिखाया था आपको क्योंकि किचन में भी हमारा काम हुआ है, किचन भी हमारा वाइट हो गया, पहले ऐसा था जो कि आपको दिख रहा होगा अभी ब्राउन कलर का, तो भाई मतलब बढ़िया लुक आ रहा है। मम्मी कुछ कहना चाहोगे आप अपने नए किचन और नए घर के बारे में? बहुत मेहनत लगी सफाई करने में, हाँ सेटिंग करने में, और मम्मी लोग गए हुए थे पहले कुछ दिन तो हमने करवाया ये सारा काम, फिर उसके बाद मम्मी लोगों ने फिर मम्मी लोगों ने आके ये घर ठीक हो गया, अब आप लोग आ जाओ, काम हम खत्म हो गया, यहाँ आए तो यहाँ आने के बाद फिर दोबारा से काम और डबल बढ़ गया, काम बढ़ गया क्योंकि उसके बाद इनको लगा ये भी करवा लेते वो भी करवा लेते वो भी करवा करते एक महीना हो गया, कुछ और चीजें और भी करवानी है लेकिन ब्रेक के बाद कराएंगे, ब्रेक के बाद अब सब थक गए, सब थक गए आप क्योंकि हम लोगों ने ब्रेक ले लिया, अब देखेंगे उसके बाद बहुत चीजें हैं जो अभी रहती है, बट अभी बहुत काम पड़ा हुआ है, बाद में कराएंगे। बट आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में कि कैसा लग रहा है ये एक डिजाइन, मैंने डिजाइन करवाया था ये बढ़िया सा देख के, और ये वाला भी डिजाइन उसमें ढूंढा था गूगल के थ्रू ढूंढा था, तो ये भी बड़ा मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है लाइटिंग वाइटिंग के साथ, है ना। और ये कल पूजा हुई थी तो उसका भी कुछ सामान वामान यहाँ पे रखा हुआ है, बस बाकी ऐसा कुछ दिख रहा है, ये देखो बढ़िया, पापा भी आ गए, अपने आइडिया दिए, हाँ सबने अपने अपने आइडिया दिए, किसी ने फिर पापा ने कहा ये दरवाजे वाइट करो, ये वाइट करो, पूरा घर ही रेनोवेट, फिर पूरा घर रेनोवेट हो गया धीरे धीरे करके। और मंदिर भी दिखाता हूँ मैं, मंदिर भी तो चेंज हुआ है हमारा। सो ये हमारा मंदिर है जो कि बहुत ही सुंदर बनाया है, ऐसे पूरा वाइट कलर का है, और कल हमने अपने पुराने मंदिर से इस मंदिर में शिफ्ट कर दिया भगवानों को, तो बड़ा सही है, मस्त लग रहा है मेरे को तो। और बस बाकी चल रहा है अभी, पापा और कुछ करवाना है, और कुछ बचा है काम घर पे रेनोवेट कराने के लिए? पापा के भी चंदन लगा हुआ है माथे पे जैसे मेरे लगा हुआ है, निकल नहीं रहा हम दोनों का चंदन। कुछ कहना चाहोगे आपको कैसा लगा काम वाम होने के बाद फाइनल प्रोडक्ट? अच्छा है ना, लाइटिंग वाइटिंग के साथ बढ़िया लग रहा है ना प्रॉपर। बस देखो ये देखो ये है फ्रेम, ओनली वर्थ 5 करोड़ रुपीज।
2 hours later. इसकी तबीयत खराब हो रही है, इसको तबीयत खराब लग रही है. क्या हो गया, क्या हो गया? क्रैम्प्स पड़ रहे हैं पेट में. क्रैम्प्स पड़ रहे हैं? और मेरे को देखो, ये देखो मेरे भी पैर में लग गई है. बड़ी मुश्किल से तीन बार से मैं वो जा रहा था क्रिकेट खेलने, अपनी बॉलिंग कराते हुए पैर फिसल गया, क्योंकि बारिश वारिश चल रही थी ना, तो पैर फिसल गया. ऑफलाइन बीस का व्लॉग है, ऑफलाइन बीस का व्लॉग चल रहा है. बाकी ये अभी रेस्ट मोड पे, आज ही मुझे क्रिकेट खेलने जाना था बट नहीं जा पाया मैं इसकी वजह से. सो होपफुली नेक्स्ट वीक सलोन भी नहीं जाऊंगा. सलोन भी नहीं जा पा रही है बेचारी, काफी ज्यादा वो है, तबीयत खराब है इसकी. गेट वेल सून, ओके, गेट वेल सून, ओके. सो मैं साक्षी का सर दबा रहा हूँ क्योंकि उसको हेडेक भी हो रहा है. सर दबाने की ड्यूटी है अभी मेरी. ओके, सो मैंने अभी जेप्टो से सामान मंगाया है, तो उन्होंने भेजी है ये रक्षाबंधन का कुछ ऐसे पैक भेजा है. ठीक है, इसमें ऐसे देख लिखा हुआ है, जैसे भाई बोल रहा है अच्छा लिसन ना, और बहन को बोल रहा है वो, यू आर यूजलेस जस्ट लाइक योर लाइफ. ठीक है, नहीं भाई बोल रहा है, फिर बोल रहा है आई एम द फेवरेट चाइल्ड बिकॉज, एक था यहाँ पे यू आर पिक्ड फ्रॉम द डस्टबिन. फनी चीज है ना, यू आर लेम. तो ऐसे पैक है और ये ऐसे खोलने, खोलिए इसको देखे अंदर क्या है. वाह कितने अच्छे से खोलती है तू तो. थैंक यू, अनबॉक्सिंग भी इतनी बढ़िया कर दी तूने. कुछ भी नहीं है अंदर, ऐसा हो ही नहीं सकता. कुछ भी नहीं है, यही तो था गेम है ये. नहीं यही तो राखी है. कहाँ राखी? पकड़ तू. अरे राखी थोड़ी ना है यार, ये रहा ना, पता है नहीं कुछ गड़बड़ गड़बड़ खोल देती है, अच्छे से अनबॉक्सिंग करनी आती नहीं. कहाँ राखी? कुछ तो है. अबे कुछ नहीं है. क्रैच एंड विन प्राइजेस वर्थ 5 करोड़ का तुम्हारा घर है गाइस. 5 करोड़ वाली बात, 5 करोड़ का इनाम आने वाला है देख लूंगा. 5 करोड़ जो अंशुम ने थंबनेल का टाइटल डाला था ना, वो इसकी वजह से डाला था. ये 5 करोड़ यही देख कर आया. अंशुम बेड पे क्या कर रहा है तू? बेड पे गंदा हो रहा है. अब तो हो गया, इसको नीचे रख. क्या लिखा है? गेट अप टू 35% ऑफ ऑन बियॉन्ड स्नैक्स. ओके, वेरी गुड. एक और है, एक भाई का है, एक बहन का है. 500 रुपए ऑफ मिल गए भाई साहब. 500 रुपए ईज माय ट्रिप पे. चल भैया वेकेशन इसी से बुक करनी है. ठीक है, ईज माय ट्रिप पे. हाँ, के थ्रू बुक करना है. 500 ऑफ ब्रेड बटर बोलते हैं उनको ना, सेकना अच्छे से और प्रॉपर, हल्का सा नमक भी डाल देंगे बटर के ऊपर. ठीक है, हाँ. थैंक यू, प्लेजर ऑल योर्स.